वैक्सीन्स के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, तो पहले ही दिन से वैक्सीन जो लोग बना सकते हैं, वैक्सीन पे जो लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय और उसके लिए हमारा जो ICMR है, उसके लिए ड्रग कंपनीज सब मिलकर और उसके लिए सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट देते हुए, और इस विषय को भी प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। आज भी जो है हमारी स्थिति यह है कि जो वैक्सीन्स आने वाले समय में आ सकती हैं, किस समय आ सकती हैं, देश में किसको देना है, उसके लिए हाई लेवल पर एक्सपर्ट ग्रुप्स सब प्रकार की चर्चा करके 10 स्टेप की आगे की तैयारी सोचकर हर चीज़ जो है विस्तार के साथ प्लान हो रही है। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं, और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है, एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से और दुनिया के अंदर भी जो जॉइंट प्रयास हो रहा है उसके साथ भी हम सबका कोऑर्डिनेशन है, और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। साइंस के अंदर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हर तरीके से वायरस के ऊपर, हम दुनिया के अंदर 4-5 उन देशों में से हैं जिन्होंने वायरस को आइसोलेट किया है। हमारे बायोटेक्नोलॉजी और CSIR के अंदर जो है 1000 से ज़्यादा जो है वायरसेस के ऊपर जो है उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है,